नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए मस्त्रे और हमारे चैनल में आप सभी स्वागत है। और फ्रेंड, आज है नवरात्र और आज हम चल रहे हैं कलसा गोथने। और कलसा उलसा गोथेंगे, उसके बाद जो चावल वावल है रंगा उंगा कर और मनु उस पर लगाएंगे। और उसके बाद जो बैठाने वाले हैं वो गए हैं खेत में, अभी आएंगे और बैठाएंगे कलसा। उसके बाद पूजा उजा करेंगे, ठीक है फ्रेंड। इसमें खाली जिसके ऊपर देवी देवता रहते हैं वही बैठाते हैं कलसा। तुम्हारे घर भी कलसा बैठ रहा है और वही बैठाएंगे, उसके बाद पूजा उजा कर लेंगे। और अब चल रहे हैं फ्रेंड, आप लोग को हम दिखाएंगे कि कलसा कैसे गोथ रहे हैं। जैसे आ रहा हो वैसे हम कलसा गोथ रहे हैं। 9 दिन का नवरात्र आज से चालू हो गया है और जो कलसा में लाई थी वही मैं देखिए यहाँ गोथ रही हूँ। और गोथ कर इसको बढ़िया से चावल वावल रंग में मिला कर चावल और इसमें लगा देंगे। और अभी यही कलसा बैठा जाएगा। और देखिए यहाँ पर फूल तूल कर लेकर यहाँ पर आए हैं और सब सामान आया है। अब फ्रेंड देखिए हम समूह गोथ दिए हैं और अब हम जौ जा रहे हैं अच्छे से साइड साइड में लगाने। और जब कलसा को खाता है तो कलसा पर देखिए जौ लगाया जाता है, ज़्यादा शुभ है और ये नहीं रहता है तो शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए जौ लगा जाता है। तो गाय का गोबर है ये है, पहले गौ के गोबर आता है, उसके बाद गौ के गोबर से गोथाता है, उसके बाद और सब चीज में ही लगता है। और यहाँ पर देखिए चावल में अभी इसको लगाएंगे और देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे बढ़िया से गोथ दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर कलसा हम लगा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कलसा सजाया जाता है कितना सुंदर लगता है। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा लग रहा है क्योंकि दो कलर हम लगाए हैं। और यहाँ पर अब ऐसे ऐसे देखिए कर दे रहे हैं। बताइएगा जरूर कि कलसा कैसा लगा। हम अपने जानत भर तो हम अच्छा गोती हूँ और अच्छा से बनाए, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हमारे घर कलसा बैठ गया है और यहाँ पर चौक पुराया है और यहाँ पर दिया जला है और इधर नारियल उरियल है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पर गुड़िया के मैं ली हूँ कोरा में और इसको जब सुला जा रहा है तो ये खाली रो रही हैं, इसको कोरा में लेकर खड़ा किया जा रहा है तो चुपाई रहती हैं। आप ही बताइए इसको दिन भर कौन लेकर खड़ा रहेगा, हजार कार है यहाँ, बताइए। इसको ऐसे देखा देखिए यहाँ पर लेकर ऐसे खड़ा है। हाँ चलो बाय बाय बोलो, चलो ओ गुड़िया। ये भी बिटिया रानी बहुत परेशान करती हैं, देखिए क्योंकि खाली कोरम रहती हैं और खाली कोरम नहीं रहती हैं, कोरम जब रहती हैं तो एक खड़ा रहती हैं और इसको जब सुला जाता है तो जब मगन हो जाती है खेलने में तब खेलती है खूब। और ओ गुड़िया देखिए हमारी अंगुरी पकड़ कर क्योंकि जब घर में सोई रहती हैं तो वो हम रूम में चले जाते हैं तो पलट के ऐसे ताकती हैं पलट के कि कोई आया है हमको कोरा ले लें। हैं नहीं देखिए मुड़ी हिला रही है, अति चुका लड़की है, ठीक है फ्रेंड। यही पर वीडियो एंड करते हैं क्योंकि नवरात्र चढ़ गया है और आज हमारे घर कलसा सा बैठ गया है और एक गुड़िया के लिए खिला रही हूँ, ठीक है फ्रेंड।